हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आपका अपना चैनल, भारत का अपना एजुकेशनल चैनल और मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ और आपको एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ। कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर, परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कुछ ऐसी सी ही गंभीर शख्सियत आज हमारे साथ हैं, मिस्टर गोविंद सिंह सिकरवा। ही इज नॉट ओनली एन एकेडमिशियन बट अ सीजन्ड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, जिनके पास स्टूडेंट्स को मेंटर करने का, मोटिवेट करने का वर्षों का अनुभव है। मैंने बड़ी गुजारिश के साथ उनके कीमती शेड्यूल में से कुछ चंद लम्हे निकाले हैं जिससे कि आप भी उनके इस अनुभव से बेहतरीन तरीके से बेनिफिट हो पाए। नमस्कार सर। नमस्कार सचिन सर। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सचिन। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने बेहतरीन तरीके से सर आप इतने सालों से हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों को मेंटर कर रहे हैं और आपने इतने स्टूडेंट्स का कैरियर बनाया है। हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर। ग्रेट सर, बातें तो बहुत सारी हैं आपके साथ करने वाली और मैं शुरुआत तो यहीं से करना चाहूंगा कि हमारा जो आकाश बायजूस साउथएक्स का जो इकोसिस्टम है इसके बारे में कुछ बताइए स्टूडेंट्स को। यस सर, अगर साउथएक्स ब्रांच के इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर ईयर में जैसे यहाँ पर बच्चा हमें नाइन्थ क्लास से ज्वाइन करता है, राइट right. तो एक उन बच्चों का बैचेज होता है जिनका विजन क्लियर है कि मुझे नाइन्थ क्लास से ही मेडिकल में जाना है right. या इंजीनियरिंग में जाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाइन्थ में स्कूल स्टडी के साथ साथ इनका कॉम्पिटिशन की भी प्रिपरेशन नाइन्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। ग्रेट। सेकंड जैसे थ्री ईयर कोर्स, मेडिकल कोर्स, यहाँ पर बच्चा हमें टेंथ क्लास से ज्वाइन करेगा, ठीक है। टी वाई एम टू ईयर मेडिकल है, यहाँ पर बच्चा टेंथ पास करने के बाद हमें ज्वाइन करेगा। एक आता है वन ईयर, ये वो कोर्स होता है जहाँ पर बच्चा हमने 11th हमें ज्वाइन नहीं किया, केवल उसे ध्यान आता है कि मुझे मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है, तो वो आकाश में आके 1 ईयर बैच ज्वाइन करेगा। बट इसके लिए एक हमारा अलग से प्लानिंग होती है, क्योंकि इस बच्चे का नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 11th मिसिंग है, जो कि आकाश कल्चर के अकॉर्डिंग, आकाश बायजू कल्चर के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी नहीं हुई है। right. तो पहले हम इन बैचेस में हम क्या करते हैं, 12th का क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर 11th का रिवीजन करते हैं और 11th का स्टडी मटेरियल भी इनको प्रोवाइड करते हैं right. और 12th के साथ साथ 11th के भी हम टेस्ट वगैरह भी कंडक्शन करते हैं, डाउट सेशन पूरा रिवीजन भी इनको अच्छे से हम कराते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो जैसा कि सर ने आपको बताया कि अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, चाहे आप 9वीं क्लास में हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं या इवन 12th पास भी हैं, सबके लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। सब टोटल कितने स्टूडेंट्स, कितने टीचर्स, कितने बैचेस रहते हैं अपने यहाँ इस ब्रांच पे? अगर बैचेस की बात करें साउथएक्स ब्रांच में तो अराउंड 100 बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि टी वाई एम सारे डिफरेंट कोर्सेज के बैचेस हैं, जिसमें अबाउट 7000 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे सीनियर एक्सपर्ट फैकल्टी है, एट 80+ के आसपास फैकल्टी मेंबर है, जैसे हम बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज जैसे इकोसिस्टम होता है right. तो यहाँ पे जो सीनियर टीचर हैं वो उनका हमारे लिए इतना इम्पैक्ट है, एक आकाश बायजू में वो पिलर की तरह काम करते हैं right. तो बहुत इसका भी बड़ा एक बच्चों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है साउथ एक्स ब्रांच में। ग्रेट बेटा, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूँगा, साउथ एक्स ब्रांच नई दिल्ली यानी भारत की राजधानी में साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। सर से बहुत सारे सवाल पूछने हैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके भी दिल में कोई सवाल है रिलेटेड टू योर कैरियर इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो के कमेंट में आप कोई भी सवाल जो है पूछ सकते हैं। ओके सर, आपने कहा कि हमारे पास यहाँ पे 7000 से ज्यादा बच्चे हैं और 100 से ज्यादा बैचेस हैं और लगभग 100 के करीब अध्यापक भी हैं,
इतनी सारी चीजों को मैनेज कर पाना और इतनी बेहतरीन रिजल्ट्स दे पाना, ये सब कैसे संभव हुआ? आई मीन हाउ इज आकाश बायजूस डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? ओके, तो वी आर द पायनियर। हम यहाँ से टॉप, हर साल टॉप रैंक प्रोड्यूस करते हैं। नीट के इस साल के टॉपर की बात करें तो वस आशीष बत्रा, प्रीवियस टॉपर की बात करें कल्पना कुमारी, सो मेनी स्टूडेंट यहाँ से साउथ एक ब्रांच से कई टॉप रैंक प्रोड्यूस की गई है। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, वेल स्टडी प्लानर है, टाइम टेबल है, वेल ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इन स्टडी मटेरियल में थियोरटिकल पार्ट के अलावा एमसीक्यू होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, जिससे क्या होता है हम बच्चे का ऐसा फाउंडेशन रखते हैं जिससे बच्चा नीट प्रिपरेशन के साथ साथ स्कूल एग्जाम की भी प्रिपरेशन आसानी से कर सकता है, जो कि उसको कोप अप इशू कोई भी नहीं होता है उसको ना। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए टेस्ट कंडक्शन, ये क्रूशियल है। क्रूशियल कहेंगे हम टेस्ट कंडक्शन, कई बार जो बच्चा होता है कभी कभी देखा होगा बहुत हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, बट वो एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल टेस्ट पैटर्न है, जैसे फोर्थ नाइटली टेस्ट होता है, टर्म टेस्ट होता है, एक AIATS होता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, जहाँ पर बच्चा अपने आप को एक एनालिसिस कर सकता है कि ऑल इंडिया लेवल पर मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट की एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है वो भी डेवलप्ड होती है इसके साथ साथ, जिससे वो नीट के मेन एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद टेस्ट कंडक्शन के बाद टेस्ट डिस्कशन होता है, टीचर क्लास में जाके उस टेस्ट का डिस्कशन करेगा, प्रॉपर एरर एनालिसिस होती है, जहाँ पर ये फाइंड आउट किया जाता है कि बच्चे ने किस टाइप की मिस्टेक की है पेपर में, अगर वो फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, थियोरटिकल है या न्यूमेरिकल है, तो उसी पैटर्न्स के क्वेश्चन क्या कहते हैं, टीचर 4 to 5 क्वेश्चन उसी पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एडिशनल वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। वो वर्कशीट क्या होती है, NCERT बेस्ड है, जिसमें क्या होता है NCERT बेस्ड है, तो जिससे क्या होता है 100% NCERT पे कमांड होती है उस वर्कशीट से। उसमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में हो सकता है, एजर्सन रीजन क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये भी हम एक्यूरेसी बच्चे की चेक करते हैं कि कोई ये NCERT को लाइन टू लाइन रीड कर रहा है, तो अगर लाइन टू लाइन रीड करेगा, क्योंकि आपको पता है पैटर्न बदला है नीट का, वो मोस्टली क्या होता है NCERT बेस्ड है, तो इसलिए हमने इस टाइप की वर्कशीट भी उनको प्रोवाइड करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि गोविंद सर ने हमें बताया कि आकाश बायजूस साउथ एक्स ब्रांच में क्या अलग तरह की स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो की जाती है, जिसके कारण इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हर साल यहां से प्रोड्यूस होते हैं। सो आई एम श्योर आप ये बात भी जानने में जरूर उत्सुक होंगे कि क्या ये बेहतरीन रिजल्ट्स केवल दिल्ली के स्टूडेंट्स ही ला पाते हैं या पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो गोविंद सर से ये सवाल पूछते हैं कि सर आकाश साउथ एक्स ब्रांच में स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं हमारे पास? यस सर, इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस से बच्चे साउथ एक्स ब्रांच में पढ़ने आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार से भी आते हैं, UP से, राजस्थान से भी आते हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे आते हैं, साउथ एक्स से आते हैं। तो मोस्टली बैचेज हमारे जो होते हैं बाइलिंगुअल होते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं जैसे साउथ के बच्चे आते हैं, तो इनके लिए हमने स्पेशली हमारी ब्रांच पर इंग्लिश मीडियम बैच होते हैं, जहाँ पर उनकी स्टडी, डाउट सेशन, मेंटरिंग टोटली इंग्लिश मीडियम में होता है, जिससे कोई भी लैंग्वेज बैरियर उन्हें ना लगे। तो यहाँ पर एक स्पेशल बैचेज हम नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए बनाते हैं, बाकी मोस्टली जो बैचेज होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। ग्रेट, बड़ी खूबसूरत बात है बेटा कि बच्चे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और भारत के कोने कोने से यहाँ पे इस ब्रांच में आते हैं। एंड विशेष बात यह है कि आपको भाषा की समस्या नहीं रहेगी। यदि आप भारत के ऐसे रीजन के रहने वाले हैं जहाँ पे आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो सर ने हमें बताया कि एक्सक्लूसिवली इंग्लिश लैंग्वेज बैचेस भी हैं, जिसमें थ्योरी लेक्चर्स इंग्लिश में हैं, स्टडी मटेरियल तो अनडाउटेडली आपका इंग्लिश भाषा में ही है, इसके अलावा मेंटरशिप, काउंसलिंग, एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रेट, गोविंद सर मुझे ये भी बताइए कि एक बार जब बच्चा आकर के दाखिला ले लेता है, एडमिशन ले लेता है, उसके पश्चात जब पेरेंट्स, माता पिता आपसे इंटरेक्ट करना चाहें या टीचर्स से इंटरेक्ट करना चाहें, तो उसके लिए क्या सुविधा है? यस सर,
तो टीचर्स पेरेंट्स से कनेक्ट करने के लिए एक रेगुलर पीटीएम कंडक्शन होता है, जहाँ पर पीटीएम में हम पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट के पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं, और एक हॉलिस्टिक अप्रोच होती है स्टूडेंट के साथ, जिससे हम पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं कि उनका रोल क्या है स्टूडेंट की स्टडी में, और उनसे भी फीडबैक लेते हैं कि घर पे कैसे स्टडी कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद जैसे सेकंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जैसे हेल्प डेस्क है हमारे यहाँ, तो हेल्प डेस्क में जैसे टीचर्स भी इंक्लूड है, काउंसलर्स भी है, तो बच्चा अपना कोई भी नॉन अकेडमिक अकेडमिक इशू अगर लगता है तो वहाँ पे आके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकता है। आफ्टर दैट कभी लगता है कि कई बार बच्चा एजिटेट होता है कि मुझे कहीं इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो नहीं बताता है, तो टीचर से डिस्कस नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ ग्रेवियंस आईडी है जहाँ पे वो मेल करके भी लिख सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, तो हम इमीडिएटली उसको रिजॉल्व कर देंगे। ग्रेट, वंडरफुल। गोविंद सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि अधिकांश जगहों पे बच्चों को कोर एकेडमिक्स तो पढ़ाए जा रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है, सब चीज़ें करा रहे हैं, लेकिन इस गंभीर परीक्षा की तैयारी करते समय बच्चा एक मानसिक दबाव में भी रहता है, तो क्या कुछ इस तरह के भी प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम बच्चों को कुछ काउंसलिंग या कुछ मतलब उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं? यस, यहाँ पे क्या होता है सर ना, एक वेबिनार्स एक्सपर्ट जो होते हैं उनके द्वारा वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, मोटिवेशन सेशन लगाते हैं। कई बार क्या होता है बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो वो डिमोटिवेट होता है, तो उस डर से निकालने के लिए उनको काउंसलिंग की जाती है, मेंटर बनाए जाते हैं। हर बैच के अंदर हमने एक मेंटर असाइन किया होता है। ये मेंटर्स क्या होता है, बच्चे से प्रॉपर कनेक्ट करता है, उनके हेल्थ इश्यू, कई बार बच्चा आया है होम सिकनेस हो जाती है, हॉस्टल विजिट भी जाके ये करते हैं कि बच्चे को वहाँ पे फूड ठीक मिल रहा है, कैसा स्टडी है, कहीं पे कोई इशू तो नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें वो मेंटर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। टाइम टू टाइम मोटिवेशंस वगैरह भी कराते हैं। तो सर, दिल्ली से बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फिर रहने का इंतजाम या हॉस्टल फैसिलिटी भी है? यस सर, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, कैब फैसिलिटी है, तो वहाँ पे आकाश के ही बच्चे रहते हैं, आकाश बाईजू के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा सर, आपने अपने टीचिंग करियर में इतने सालों के अनुभव में देखा होगा कि कुछ बच्चे बिलो एवरेज भी होते हैं, कुछ एवरेज है और कुछ थोड़े एक्सेलेंट भी होते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पे अलग अलग बैचेस भी हैं बच्चों की परफॉर्मेंस और मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से? यस सर, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कई पेरेंट्स के मन में होता है कैसे रिसबलिंग होती है। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके टेस्ट जो हमारे इंटरनल टेस्ट होते हैं जैसे AITS वगैरह, उनके बेसिस पे हमने दो कैटेगरी कर ली, एक अचीवर हो गया, एक हमने देख लिया लो परफॉर्मर। लो परफॉर्मर का मतलब जैसे कि वो बॉर्डर पर है, तो टॉप जो अचीवर हैं वो तो उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो 720 को टच करें पूरा का पूरा, और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे उनको हम ये करते हैं कि उनको कोई अच्छा सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन जाए, उनके लिए हम अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो दोनों बच्चों की प्रॉपर केयरिंग करते हैं हम साउथ एक्स ब्रांच में। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा सर, कुछ ऐसा भी आप करते हैं कि जैसे जो बच्चे टॉप रैंक्स ले चुके हैं, आपने वत्स का नाम लिया, कल्पना का, और भी कई बच्चे हैं, इन्यूमरेबल हैं, तो क्या उन टॉपर से हमारे करंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की मुलाकात करवाई जाती है? यस, मोटिवेशन सेशन अरेंज कराए जाते हैं जो हमारे प्रीवियस टॉपर्स हैं, जैसे कुछ बच्चे हमारे एम्स में, जनरली साउथ एक्स के बच्चे एम्स में, MAMMC में होते हैं, तो वहाँ से वो बच्चे आके, अभी हमारा MBP NCERT बूस्टर प्रोग्राम है, तो इस साल जो बच्चे नीट में अपीयर होंगे, तो वहाँ से वस आया था, अलीसा जिंदल जो एम्स में पढ़ रही है, तो काफ़ी बच्चों ने आके उनको मोटिवेट कराया, इंपॉर्टेंस बताया NCERT का, कहीं पर जैसे मार्क्स कभी हो सकता है टेस्ट सीरीज में मार्क्स अप्स एंड डाउन चलता रहेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा डरना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वो पूरा एग्जाम के बारे में मोटिवेट करते हैं, पैटर्न्स, टेस्ट सीरीज वगैरह। ग्रेट। गोविंद सर, अक्सर एक धारणा बनी हुई है हमारे भारत देश में कि मेडिकल की पढ़ाई बड़ी कॉस्टली है, नीट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत पैसा लगता है, ये सब बहुत महंगा है, एक मिडिल क्लास पर्सन कैसे अफोर्ड करेगा, तो आकाश बाईजूस इसके लिए क्या कुछ टैलेंटेड बच्चों को कोई स्कॉलरशिप कुछ ऐसा प्रोवाइड करता है, जैसे एंथे एग्जाम के बारे में अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ, एंथे एग्जाम कंडक्शन है, अभी कंप्लीट हुआ है उसका, दिसंबर में रिजल्ट भी उसका आउट हो चुका है, तो यहाँ पर जो एंथे एग्जाम है, जैसे मान के चलो टॉप बहुत अच्छा बच्चा है, पोटेंशियल है, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, बट उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, तो उस पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, हो सकता है वो
फी पे नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स के पास वो कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर एंथी एग्जाम है जो 100% स्कॉलरशिप है, जिसमें हॉस्टल फी, हॉस्टल भी फ्री रहता है, सारी चीज़ें फ्री रहती है, तो ऐसे बच्चे भी उस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं और अपने नीट क्रैक करने के ड्रीम्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। नीट एग्जाम तक तो सर हम बच्चों को, आपने कहा, पूरी तरह से गाइडेंस दे रहे हैं, कोर एकेडमिक्स पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी है। नीट की परीक्षा हो जाने के बाद भी बच्चों के मन में हजारों सवाल होते हैं। एक स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है तो उसको चारों तरफ जो है कुछ नजर नहीं आता कि भाई पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा हुआ है, कोई जल्दी से मुझे इसके आंसर्स बता दे, कोई सॉल्यूशन दे दे, कोई इसके बाद की गाइडेंस दे दे। तो सर नीट की परीक्षा हो जाने के बाद आगे क्या, उसमें आप क्या सपोर्ट दे रहे हैं बच्चों? Yes. ये भी कई बच्चे बहुत परेशान, पेपर देने के बाद तुरंत ब्रांच पे आते हैं, सर कौन सा गलत हो गया, तो इमीडिएटली आकाश बाईजू की जो एक्सपर्ट टीम है वो इमीडिएटली सॉल्यूशन बनाती है इसका। वो सॉल्यूशन जो टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो हम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन पे जैसे अपलोड करते हैं, तो बच्चा अपना एक टेंटेटिव स्कोर वहाँ पे वो चेक कर सकता है। और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, फिर जब नीट का फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके बाद हम बच्चे की काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। डिफरेंट राउंड की काउंसलिंग है, कैसे फॉर्म भरना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो उनके रैंक के अकॉर्डिंग, उनकी जो एक रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो हमारी टीचर्स की टीम है जो उनकी काउंसलिंग में पूरी तरीके से हेल्प करती है। ग्रेट ग्रेट। सो बेटा इट्स नॉट ओनली अप टू नीट, ऐसा नहीं है कि केवल हम नीट तक आपके साथ हैं, लेकिन नीट के बाद भी हम आपके साथ हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन्हें जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। गोविंद सर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमारी आकाश बायजू साउथ एक्स ब्रांच में इस डिसिप्लिन जैसे गंभीर विषय को लेकर के आप किस तरह से डील करते हैं? यस, ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो कई बार होता है बच्चे के अंदर पोटेंशियल है बट डिसिप्लिन नहीं है, तो वो हो सकता है जो रैंक ला सकता था वो रैंक नहीं लेके आ पाता है। तो डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, यानी क्लास की स्ट्रेंथ की भी बात करें तो हम एक बैच के अंदर 45 से 50 स्टूडेंट के अराउंड स्टूडेंट्स हम रखते हैं एक बैच में। सिक्योरिटी भी हमारी पूरा है, अटेंडेंस भी प्रॉपर रेगुलर मॉनिटराइजिंग होती है, मैनुअल अटेंडेंस भी होती है, बाकी पंचिंग कार्ड पंच भी करते हैं अपने आईडी कार्ड को वहाँ पे ना, तो ये सारा पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन भी हम अटेंडेंस का कराते हैं और डिसिप्लिन पे पूरा फोकस कर सकते हैं। जो मेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हर बैच का मेंटर होता है, उसका पूरा रूल्स रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट कैसे पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डेविएशन नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ उनकी हेल्प करते हैं। ग्रेट सर, कोर एकेडमिक्स के अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं जो हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्रांच में दे रहे हैं? कई बार क्या होता है जैसे स्टडी करते समय जैसे डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया तो बच्चे को एक कई बार होता है कोर रिलेटेड नहीं कर पाता उस चीज़, तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे बॉटनी का एग्जाम्पल दें तो बॉटनी में हमने यहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन एक छोटा सा गार्डन बना के रखा है, हमने उन्हीं प्लांट्स को रखा है जो जनरली उनके नीट में सिलेबस जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हमने जैसे स्टडी कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि भाई अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसा है, अल्टरनेट है, अपोजिट है, तो बच्चे जाके वहाँ पे देख सकता है लीफ में वेनिएशन का टाइप पैरेलल वेनिएशन है या रेटिकुलेट वेनिएशन है, तो वो जाके वहाँ पे प्लांट में दे सकता है। अब जैसे मॉर्फोलॉजी में हम फैमिलीज पढ़ते हैं, जैसे सोलेनेसी फैमिली है, लिलियसी फैमिली है, तो वहाँ पर कई एग्जाम्पल्स आते हैं प्लांट के, बॉटेनिकल नेम आते हैं, तो बच्चे को जैसे एग्जाम्पल बताओ तो उसको समझ नहीं आता है, तो बच्चा जब क्लास अटेंड करने के बाद जब नीचे गार्डन एरिया में जाता है तो वहाँ पर वो स्पेसिमेन को देखता है तो वहाँ पर टैगिंग होती है पूरा, उसका कॉमन नेम लिखा है, इंग्लिश नेम लिखा है, बॉटनिकल नेम लिखा है, तो बच्चा जो क्लास के बाद वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा एक्वेरियम भी है, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में, जैसे केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के मॉडल्स जो होते हैं तो बच्चे को उनको अच्छे से वो प्रैक्टिकल एक तरह से कह सकते हैं मिनी लैब टाइप का होता है, जिससे बच्चे को प्रैक्टिकल भी थ्योरी के साथ साथ कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं तो उनको भी ईजिली वो सॉल्व कर सकता है। राइट,
ग्रेट, वंडरफुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि इट्स नॉट ओनली कोर एकेडमिक, सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, आपको एक एक्सपोजर भी दिया जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आपके मन में अगर और भी कोई सवाल हो जो आप गोविंद सर से पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गोविंद सर, आपका वर्षों का अनुभव है, आप स्वयं एक अध्यापक रहे हैं, अभी भी आप क्लासेस लेते हैं बॉटनी विषय की, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज आप अगर बताना चाहें स्टूडेंट्स को बॉटनी में कि जिनको तो हर हाल में करना ही है, जिन्हें छोड़ नहीं सकते। वैसे तो जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कभी भी है, हर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट है, बट अभी तक का जो एनालिसिस बनता है उसमें कई चैप्टर्स हैं, जैसे इलेवंथ की बात करें सेल्स वाला चैप्टर है, साइटोलॉजी वाला है, प्लांट किंगडम है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है ना। तो काफ़ी मोस्टली क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ही चैप्टर है। 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लॉटिंग प्लांट है, जेनेटिक्स है, और लास्ट जिसको हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो ये लर्निंग बेस्ड है। जनरली जैसे डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो एनसीईआरटी से हैं, तो जनरली ये भी उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन आ सकते हैं। इकोलॉजी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, राइट। इकोलॉजी जनरली हमने देखा है सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ थ्योरी पार्ट है, एंड में ही कर लेंगे। ग्रेट। कोई गुरु मंत्र सर आप हमारे बच्चों को देना चाहें कि भाई ये एक गुरु मंत्र है, ये एक बात अपने पल्ले बांध लीजिए, अगर आपको नीट में एक बेहतरीन रैंक लेके आना है, आपको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो गोविंद सर क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और अपना सबसे बड़ा वेपन होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और हमारा गोल होना चाहिए, विज़न हमारा क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर ही जाना है। तो कहते हैं ना विल पावर, जब मैंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया मुझे ये काम करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, गाइडेंस और डिसिप्लिन, और बाकी यहाँ पर यही चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्ट टीचर होता है वो अपने सब्जेक्ट की गाइडेंस प्रोवाइड करता है। राइट, बिल्कुल। वो कहते हैं ना यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा, यूं अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जैसा कि सर ने कहा कि आपके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, सबके अंदर वो एनर्जी है, उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और ये कौन करवा सकता है? एक एक्सपर्ट गुरु, एक सीजन्ड मेंटर। आकाश बायजूस टीम में आपको ऐसे ही बेहतरीन गुरु, बेहतरीन मेंटर्स मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, यदि आप आकाश बायजूस साउथ एक्स ब्रांच के बारे में कोई भी बात और करना चाहते हैं, आप गोविंद सर से कोई भी बात पूछना चाहते हैं, अपने दिल की कोई भी बात करना चाहते हैं, जस्ट फील फ्री टू डिस्कस इट विद अस। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। गोविंद सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नमस्कार।